हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। शिक्षक बनने का सपना देख रही युवाओं के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। करीब 4 साल बाद सरकार ने राज्य में TGT एवं PGT स्कूल टीचर के 15,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती प्रक्रिया निकाली है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा ये पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी। इसमें 15,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया आपको मिलेगी। वर्ष 2020-21 की इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वैकेंसी की डिटेल्स, आधिकारिक नोटिफिकेशन और अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ TGT की आपको 12,913 वैकेंसी मिलेगी और PGT की आपको 2,595 वैकेंसीज मिलेगी। कुल पदों की यदि संख्या की यदि हम बात करें तो 15,508 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए 2 भागों में आवेदन करने होंगे। 2 बार आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भाग एक जो है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था। भाग एक की जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 2 का रहने वाला है 30 नवंबर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकारी भर्ती परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट pariksha.up.nic इन पर आपको जानकारी मिल जाएगी। होम पेज की बाईं तरफ आपको UPSC TET और PGT एग्जाम नोटिफिकेशन 2020 के लिंक पे क्लिक कर देना है। UP सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की साइट खुलेगी। ये TGT एवं PGT एग्जाम अप्लाई करवाने ऑनलाइन लिंक आप पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको UP TGT एवं PGT एग्जाम के लिए एप्लीकेशन के अलग अलग लिंक मिलेंगे। जिस परीक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए अप्लाई के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और दिशा निर्देश के अनुसार आपको आवेदन करना है।